नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक उड़ाव और अभी हम जो खड़े हैं हरिद्वार रोड स्थित ए टू जेड वर्कशॉप पे खड़े हैं। ये ए टू जेड वर्कशॉप जो है ये प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो महानगर अध्यक्ष है धीर सिंह जी का ऑफिस भी है और ये कैंप कार्यालय भी है। और आज इनसे यहाँ पर जो फुटकर व्यापारी है वो यहाँ उनसे मिलने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या उनकी मांग है या किस लिए पहुंचे हैं आप यहाँ पर एकत्र होकर। हमारी मांग यह है कि जो हमें नगर निगम की ओर से जगह अलॉट की गई है उसमें 1,08,000 रुपए खोखा दिया जा रहा है, जो कि खोखे की कीमत 10 से 20, 30, 40 हजार रुपए का है। हम इसे लेकर आज 8 से 10 दिन हो गए इस मांग को लेकर चल रहे हैं। 1,08,000 रुपए का आपको जो स्टॉल है जो नगर निगम दे रहा है? नगर निगम किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा दे रहा है, नगर निगम खुद नहीं दे रहा है, एक प्राइवेट कंपनी है। कितने वेंडरों को दे रहा है वो? वो अभी 120 खोखे पास किए हैं, 120 लोगों को भी दे रहा है। 980 रजिस्ट्रेशन है रुड़की के अभी तक के। तो कितने 100 कितने बताया आपने? 980 रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं नगर निगम में और अभी 120 खोखे रखे जाने हैं बीएचएल अड्डा रोड पे, नगर निगम से लेके बीएचएल अड्डा रोड तक। तो हमारी मांग ये है कि हम खोखे लेने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे साथ नगर निगम इंसाफ करे और जितनी उसकी कीमत है वो हमारे कीमत ली जाए। कितनी कीमत है उसकी? लगभग 30 से 40 हजार। और दे कितने में रहा है? 1,08,000। किस बात के फालतू पैसे दे रहे हैं? ये तो नगर निगम बताएगा, हम क्यों अपना मेहनत का पैसा नगर निगम को या किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे। और क्या दिक्कत आ रही है साथ में? दिक्कत ये आ रही है कि नगर निगम हमें हमारे साथ सहयोग नहीं कर पा रहा है, हमसे हमें मतलब हमारी बात को समझ नहीं पा रहा। नगर निगम में आप कुछ दिन पहले पहुंचे थे, आपने बताया था कुछ लोग जो है संगठन से पैसे लेने के नाम पर इस तरह से कोई 500 रुपए क्या मामला था? फार्म भरने के नाम से 500 रुपए प्रति व्यक्ति एक संगठन है उसने उगाई की है हम लोगों से। कितने लोगों से लिए उन्होंने? हम लगभग 4-5 लोगों से तो हमने दिए थे, जो पैसे एक बंदे के वापस हो गए हैं और लगभग करीब ये सब जितने भी खड़े हैं सबसे मांगे गए, मगर इन किसी लोगों ने 500 रुपए नहीं दिए। तो आज आप यहाँ पहुंचे हैं क्या, किस लिए पहुंचे हैं? आज हमने व्यापार मंडल जी को, अपने धीर सिंह जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्हें हमने एक एप्लीकेशन दिए कि हमारा हम छोटे व्यापारी हमारे साथ धीर सिंह जी भी है सर आपके पास पहुंचे हैं। फुटकर व्यापारियों की मांग है, जिस तरह से वह बता रहे हैं कि स्टॉल के नाम पर पैसा बढ़ा कर मांगा जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह से आप प्रशासन शासक से बात पहुँचाएंगे इनकी? जी, आज ये फुटकर व्यापारी जो ये फड़ और पटरी पर जो लोग अपना रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब लोग आज यहाँ आए। पहले तो मैं दीपावली की इन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को भी देता हूँ। और इनकी जो कुछ सुझाव भी इनके हैं, देखिए जो वेंडर जोन बनाया गया है ये सब लोग भी मानते हैं कि ये सभी के लाभ में है, सभी के फायदे में है, क्योंकि सभी का सपना है कि हर एक दिन घर हो अपना और एक दिन अपना व्यवसाय में अपना दुकान भी अपनी हो, तो वो इनका सपना पूरा भी होने जा रहा है। और जैसा कि हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त चले आ रहे हैं कि सबको एक घर भी हो और सबको एक छोटी मोटी दुकान भी हो, उसी के निमित्त ये सब चल रहा है। लेकिन इनकी जो कुछ मांग है, इनके कुछ सुझाव हैं कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जो ये उसको नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल ज़मीन से जुड़े वो लोग उसको सहन नहीं कर सकते। तो अपने में अपने अपने व्यापारियों के माध्यम से और अपनी पार्टी के वरिष्ठ जनों के माध्यम से मैं इस बात को शासन प्रशासन तक अपने स्तर से पहुंचाऊंगा और बड़ी ज़ोरदार तरीके से रखूंगा। और मैं खुद भी आश्वस्त हूँ और मैं इनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और संगठन और हमारी खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार इस समय इस तरह की सरकार है कि वो जनहित में जो है, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े लोग हैं उनकी चाहे चिकित्सा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे उनके कैसे भी इस तरह के सपने हो, उनको कहीं भी मटिया मलेट करने के उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है। और उनका आपका सपना सच में साकार होगा और सरकार आपका निश्चय ही जो है निराकरण करेगी, मुझे पूरा उम्मीद है। जो एडमिनिस्ट्रेट के नाम जो ज्ञापन है इन्होंने आपको उसका पत्र दिया है, तो आप उनको किस तरह से वहाँ तक पहुँचाएंगे अपने मंडल के द्वारा? मैं ज्वाइंट साहब, दरअसल इन सब लोगों ने बताया कि आज ज्वाइंट साहब बाहर हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नायक अभी आज यहाँ प्रदेश में पधार रहे हैं, तो सब लोग वहाँ हैं, तो ये मेरे पास आए हैं। और मैं क्योंकि व्यापार मंडल का मैं क्योंकि एक जिम्मेदारी मेरे पास है, इन्होंने मेरे में एक आस्था आश्वस्त की है, मैं उन तक अपनी बात अपने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ जाकर
इनकी बात वहां भी रखूंगा, पहुंचाऊंगा और अपने संगठन और अपने पार्टी के आला अधिकारियों तक भी लेके जाऊंगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो महानगर अध्यक्ष हैं धीर सिंह जी ने बताया कि वह अपने मंडल से स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से निगम अधिकारियों से इस बारे में वार्तालाप करेंगे और जो गरीबों को है उन्हें पूरा मिलेगा। और भी हमारे साथ यहाँ पदाधिकारी उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद दीपक जी। देखिए मैं कहना यही चाहूँगा कि जहाँ तक वेंडिंग जोन का है तो उसका हमने पहले भी स्वागत किया और आज भी हम जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें सर्वप्रथम स्वागत है। वेंडिंग जोन के साथ साथ तय बाजारी की बात आ रही है, जबकि नगर निगम में बताया जा रहा है कि तय बाजारी का तो कॉन्ट्रैक्ट ही अभी नहीं हो पा रहा है। जी, तय बाजारी जो ली जा रही है वो निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा स्वयं ली जा रही है और इसमें बड़ा एक अटपटा सा माहौल है। एक तो रसीद किसी भी वेंडर की दुकान पर नहीं कट रही, वो कटी कटाई रसीद लेके पहुँच रहे हैं। ये अपने आप में सोचने का विषय है कि इस बारे में कभी उच्च अधिकारी को मैंने निगम में शिकायत दी हुई है, बाकायदा रिटर्न में मेरे पास उसकी रिसीविंग है और इसकी शिकायत मैंने मुख्य सचिव बोलते हैं निगम अधिकारी कह रहे हैं कि नियमानुसार हम लोग ले रहे हैं, लेकिन मेरा उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि तकरीबन जो मेरा आंकलन है वो 30,000 से 40,000 रुपये डेली की हुआ है। आपको बताया कि जबकि निगम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठेका नहीं छोड़ रखा है, फिर भी तय बाजारी हो रही है। जी, वो कह रहे हैं कि हम सुविधाओं के नाम पर व्यक्तिगत रूप मतलब निगम ले सकता है तो उसी के आधार पर वो लोग ले रहे हैं, निगम के जो संविधा पे रखे हुए कर्मचारी हैं वो ले रहे हैं, लेकिन मुख्य विषय यह है कि ले वो बाजार से 100 रुपये हो रहे हैं और जमा वहाँ 10 रुपये हो रहे हैं, तो यानी कि 40 दिए कोई आपको? जी, रसीद 10 रुपये की रसीद सभी वेंडरों के पास मौजूद है। 100 रुपये ले रहे हैं, 10 की रसीद दे रहे हैं? नहीं, 10 रुपये ही लिए जा रहे हैं, लेकिन 40,000 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं तकरीबन डेली और वहाँ जमा होते हैं 5,000 रुपये जो निगम की आए हैं इस वक्त, तो तकरीबन 4,000-5,000 रुपये डेली की है, तो बाकी 30,000-35,000 रुपये का गबन है, यानी कि 9,00,000 रुपये महीना गबन में जा रहा है। कौन कर रहा है गबन? देखिए, अब या तो नगर प्रमुख कर रहे हैं या अधिकारी कर रहे हैं, ये तो निगम की जांच का विषय है ना। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप रसीद काट रहे हैं तो रसीद मौके पे क्यों नहीं कट रही, वो कटी कटाई रसीद क्यों जा रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो फर्जीवाड़ा है, वो रसीद बुक फर्जी है इसलिए वो कट रही है बाजार में। तो सीधी कॉपी वगैरह बिल आपके पास इस तरह से? सब मेरे पास मौजूद है, पिछले दिनों आपने पत्रों में भी समाचार पत्रों में भी वो मुख्य रूप से छपे थे। साफ तौर पे इन्होंने भी बताया कि जो रसीद नगर निगम के द्वारा काटी जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं घपल हो सकता है। महानगर अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो महानगर अध्यक्ष है धीर सिंह से मिले हैं, उनके द्वारा प्रशासन को अपना मांग पत्र भेजेंगे और उन्हें अपना इंसाफ रखने की मांग करेंगे।